नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 90 मिनट्स रूल्स के बारे में कि भाई 90 मिनट रूल्स में आपको क्या करने हैं, जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है, समय के इस्तेमाल करने को सिखाता है। उसी तरह से बाहर 10 मिनट रूल्स होते हैं, जहाँ पर 10 मिनट रूल्स पे ज़्यादातर अब्रॉड में यूरोपियन कंट्री में फॉलो भी किया जाता है, जहाँ पर आपको आउटकम पे फोकस करना होता है या फिर आउटपुट पे, ये आपको डिसाइड करना है। पर 10 मिनट रूल्स का जो बेसिक थ्योरी है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द आउटकम, इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन द आउटपुट। यहाँ पे आपको ओवर प्लानिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। और आपको जो भी बोलना है या करना होता है, वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर करना होता है। तो चलिए, इस वीडियो में तो हम आपको 90 मिनट रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि 90 मिनट जो समय है वो आपको अपने सबसे ज़रूरी कामों में देना होता है, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो। तो उस समय को काट कर बाकी का जो समय बचता है उसमें आपको अपने रुचि का काम करना है। अब रुचि का काम आपका एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपको बिजनेस बढ़ाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। जैसे कि जो भी आप चाहते हैं उसमें से 90 मिनट आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि यदि आपने कोई शॉर्ट टर्म गोल रखा हुआ है तो आप उसको पूरा करने में मेहनत कर सकते हो, और ये आपको मार्गदर्शन देगी कि आपको उस एक घंटे 30 मिनट में क्या करना चाहिए, मतलब 90 मिनट में क्या करना चाहिए। और यदि आप उसको हर दिन पालन नहीं कर पाते हो तो कम से कम जितना मैक्सिमम हो सके उतना पालन कीजिए। तो एक हफ्ते में आप टोटल लगभग 11 घंटे अपने लक्ष्य को देते हैं और एक महीने में 325 घंटे दे देते हो। तो देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम जो है कोई माँ के पेट से सीख के तो आता नहीं है। कोई भी नया आदमी मास्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है और बढ़ के फिर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें ये करना होता है कि प्रतिदिन जब आप 90 मिनट देते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं रोज़, और उसमें रोज़ आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाता है। सपोज़ आप गिटार बजाने को देते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए देते हैं या बजाते हैं, तो आप देखिए कि आप इम्प्रूव करते चले जा रहे हो, रोज़ आप इम्प्रूव करोगे। व्यवसाय में कुछ नया सीखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, इससे आप निश्चित ही प्रगति कर सकेंगे। और यदि पूर्ण रूप से अपने समय को आप इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप जो भी आज कर रहे हैं कल उसमें और सुधार होने चाहिए। नियमित रूप से आपको नींद भी लेनी है, आपको अत्यंत जरूरी काम एक्सरसाइज या योग वो भी करना है, अपने आप को एंटरटेनमेंट भी करना है। तो 90 मिनट का जो रूल है ये आपको फॉलो करना है। अब उसमें से आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो, तो आप देखेंगे कि आपका जो सफलता है और यह जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं वो धीरे धीरे आपको मिलता चला जाता है। क्योंकि देखिए, नींद लेने की जब हम बात करते हैं तो कहने का तात्पर्य कि आपको स्वास्थ्य से नहीं खेलना है। अब जैसे मनोरंजन है तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय की बर्बादी हो जाती है। तो जो भी काम सबसे इम्पोर्टेंट है उसको आप इम्पोर्टेंस देंगे। यदि आप समझो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, शाम को वक्त नहीं मिला या सुबह वक्त नहीं मिला, तो फिर जो भी आपका मन करे आप उसे समय मिलते के साथ आप उसकी शुरुआत कर सकते हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप आजकल बच्चे लोग पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, हाइक पे लगे रहते हैं, यहाँ पे आपका सिर्फ वक्त ही बर्बाद होने वाला है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको फ़ायदा या प्रोडक्टिविटी नहीं मिलने वाली है। और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप ये भी टारगेट रखें कि भाई मुझे अपने मित्रों से मिलना है, इंटेलिजेंट दोस्तों से मिलना है, और वो भी टाइम टेबल की दृढ़ता से पालन करते हुए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने फॉलो किया तो उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली होगा। तो धन्यवाद,
आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।